गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम श्रीलंका। तो आज श्रीलंका के अंदर हमारा दूसरा दिन है। कल आए थे, थक गए थे, सो गए थे, तो अब जो है हम तैयार हो चुके हैं और हमारे साथ साथ आपको घुमाते हैं पूरा श्रीलंका। गुड मॉर्निंग भाई। ये भाई इनको हिंदी नहीं आती, इनसे पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। क्या व्हाट्स योर नेम? आविष्कार। ओह नाइस नाइस। तो भाई का नाम आविष्कार है। आविष्कार। तो अब जो है हम सीधा टैक्सी के अंदर बैठेंगे, उसके बाद आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे रास्ते में बताएंगे। सबसे कमाल की बात यह है कि मौसम देखो यहाँ का, वाओ। कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है गाइस, जो भी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। कितना प्यारा और साफ सुथरा मौसम है, ये देखो। इसकी सोच से भी ज्यादा साफ मौसम है। चलो टैक्सी में चलते हैं और फिर आगे आपको बताएंगे। कुछ खाएंगे भी सही, भूख लग रही है। यहाँ पे खाना बड़ा अलग अलग तरीके का मिलता है, नॉन वेज ही नॉन वेज, वेज के नाम पे तो। और हाँ, यहाँ पे रोटी दाल ये सब कुछ नहीं चलता, बिल्कुल अलग अलग। सबसे ज्यादा तो चाइनीज डिशेज चलती है यहाँ पे, चाइनीज पीपल बहुत ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। तो ये आ गए हमारे भाई, इनसे दोबारा नाम पूछता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ हर बारी। व्हाट्स योर नेम? पासिंदो। हाँ पासिंदो। तो भाई ये पासिंदो भाई इन वैसे फांसी दो। तो गाइज हम जा रहे हैं अभी रावण की लंका देखने के लिए। जी हाँ गाइज, जो कि मतलब कि जो श्रीलंका है पूरा उसके आई थिंक आप कह सकते हैं कि सेंटर के आसपास के अंदर ही है। तो हमारे होटल से 4 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को काफी लोग जो है रावण का महल भी बोलते हैं। और काफी मान्यता है, काफी सारी ऐसी स्टोरीज है जो कि ये कहती है कि भैया जो रावण का महल हुआ करता था, जो सोने की लंका हुआ करती थी, वो उसी के ऊपर थी और उसके चारों तरफ ही पूरा रावण का वसेरा, उसकी जो प्रजा थी वो सब रहा करती थी। और अभी मॉडर्न टाइम के अंदर उसे द लायन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। गाइज यार इस चीज के कोई पक्के तौर पर प्रूफ तो नहीं है, कोई पक्के ऐसे कोई रिटर्न के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो नहीं है कि भैया ये रावण का महल ही था या फिर ये कोई दूसरी जगह थी या फिर ये किस राजा का महल हुआ करता था। वो सब कमाल की बातें नहीं है। कमाल की बात ये है कि वो जिस तरीके से बनी हुई है, आज से हजारों सालों पहले वहां पे महल का निर्माण किया गया था। आई थिंक अभी वहां पे महल तो नहीं है, लेकिन उसके जो साक्ष्य हैं या फिर उसकी जो पुरानी चीजें हैं जो कि उसके अवशेष हैं, वो बहुत कमाल के कि किस तरीके से लोगों ने वहां पे चढ़ाई की होगी, किस तरीके से महल का निर्माण किया होगा, वो सारी चीजें बहुत कमाल की होने वाली है और देखने लायक है। तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं, ये देखो रास्ते। बाकी गाइज यार एक चीज तो कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये जो जगह है वो। रोड्स पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बिल्कुल खुले और शांत रोड, चारों तरफ बस आपको ये जंगल टाइप का ही इलाका मिलेगा, नारियल के पेड़ और बहुत बड़े बड़े पेड़। कहने का मतलब ये है कि अभी भी नेचर से यहाँ के लोग बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। आई थिंक 2 करोड़ के आसपास होगी, अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट कर देना। 2 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, तो इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल की चट्टाने देखने को मिल जाएगी, जगह जगह पे अलग अलग तरीके की चट्टाने हैं। हर चट्टान का अपना एक इतिहास है, मेरे हिसाब से अपनी ये कहानी है। देवी के मंदिर यहाँ पे भी हमारी ही तरह पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी के अंदर गणेश जी हैं, बुद्धा जी भी हैं, और वो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके की मोटी मोटी रॉक्स है। वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, वो देखो गाइस, वो देखो बिल्कुल एक पूरी एक पहाड़ का एक पूरी श्रृंखला है। और इसी टाइप की वो जो हम देखने जा रहे हैं वो भी इसी तरीके की है, और इस तरीके की यहाँ पे गाड़ियां चलती है। और खूबसूरत है बाकी। और ये रहा यहाँ का मार्केट, कुछ इस तरीके का है। ज्यादा भीड़ नहीं है, ज्यादा रश नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, सब लोग शांत है। और मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, क्योंकि सभी लोग बस हिंदी नहीं जानते, बाकी ऐसा लगता है कि सब अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई हैं। हाँ बस थोड़ा गाड़ियों का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके की गाड़ियाँ चलती है। टेम्पो वैसे ही चलते हैं जैसे कि अपने वहाँ चलते हैं। और बाकी थोड़ी सी हरियाली ज्यादा है, ये देखो ये भाई भी देखो ऐसा लग रहा है अपना ही कोई 7 जन्मों का दोस्त हो। ये भाई कुछ दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस? विलेज सफारी, विलेज टूर। तो गाइस यार ये जो गाड़ी आई है विलेज टूर करने के लिए। ओके तो व्हेन वी कम वी विल डू सफारी। ओके ब्रदर फांसी दो। यस ब्रदर। ओके फांसी दो। गाइस हमें रास्ते के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज दिखी है, तो मैंने भाई को बोला भाई सीधा लेके चलो, अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। स्टॉप 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 फांसी दो स्टॉप। तो गाइस देखो, वाह यार कितना बड़ा स्टैच्यू है, ये देखो बहुत बड़ा है यार, एक नंबर। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो वाओ। गाइस तो देखो है ना, एक नंबर चीज यार, भाई साहब हाइट कितनी होगी यार इस स्टैचू की, ये देखो। तो गाइस यार ये पहुंच गए हम सिगिरिया, और यहाँ पे है रावण का
महल। जी हाँ गाइस, अब लंका के अंदर है। गाइस एंट्रेंस के लिए हमारे पासपोर्ट्स की जरूरत होगी। हम इंडियन से है तो हमें जो है अंदर जाने के लिए जो टिकट लगता है वो आधे पैसों के अंदर मिल जाएगा। गाइस पूरे 15,000 रुपए लगे हैं टिकट के, 15,000 श्रीलंकन रुपए। वही ये कुछ ऐसा था पहले सिगिरिया 1984 में, ये रॉक है एक्चुअली, इसी के ऊपर रावण की लंका है। गाइस यहाँ पे पुराना गांव बना रखा है, देखो गाइस कुछ इस तरीके से रहा करते थे यहाँ पे लोग। ये देखो ऐसी झोपड़ियाँ थी। गाइस म्यूजियम देख लिया, अब हम जा रहे हैं लंका की तरफ। गाइस ये आ गए हम अंदर, बाकी आप देख सकते हैं कि वो सामने की तरफ है लायंस रॉक। कुछ लोग इसे लायंस रॉक कहते हैं, कुछ लोग इसे रावण का महल कहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यार सामने की तरफ, मतलब अगर वो राजा का महल है तो सामने की तरफ पूरी सोसाइटी बसी हुई थी। ये देखो मतलब पूरे जितने भी लोग रहा करते थे। पानी के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, मतलब पानी वगैरह रोकने के लिए अलग अलग तरीके की डिजाइन, ऐसा लगता है जैसे कि ये नींव रखी गई हो। तो चलो वहां चलते हैं भाई। यार बहुत बड़ी रॉक है यार, और ये पूरी एक ही सिंगल चट्टान है, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चट्टानें मिक्स होकर बनी हुई है, पूरा एक ही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, पढ़ लो यार पॉज करके। गाइज यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद ये तो पानी निकलने के लिए या फिर किसी चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर किसी का रूम या फिर किसी का कुछ हुआ करता था तो सभी के अंदर ये है। आई थिंक ये पानी आने के लिए है। अब देखो यार पानी की व्यवस्था या फिर कुछ भी हो सकता है, तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको आइडिया तो कमेंट करना, लेकिन मे बी ये सब हर उसके अंदर है, या तो ये वाटर के लिए है या फिर पता नहीं किस चीज के लिए। बाकी यहाँ से देखो मतलब बहुत बड़ा और खूबसूरत यहाँ पे मतलब वो रहा होगा यार कभी, तो ये वाटर गार्डन है, द वाटर गार्डन। वाह यार ये देखो, ये देखो गाइस, अगर यहाँ की कोई पुरानी किताबें होंगी तो उनमें पता पड़ता होगा कि ये क्या है या फिर क्या नहीं है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जो रामायण की बात है वो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी। तो रावण मारा गया, उसके बाद में राजा कश्यप आए होंगे, उन्होंने यहाँ पे राज किया होगा, उसके बाद में सदियाँ बदलती गई, फिर चीजें चेंज होती गई, किसी ने इसे या तो तोड़ा होगा या फिर ये जैसा है वैसा ही रहा होगा, इसके नाम अलग अलग बदलते गए होंगे, कोई इसे मतलब जैसे जैसे लोग यहाँ पे आते गए रहते गए अलग अलग नाम रखते गए। बाकी जो भी है यार मतलब बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया। ये देखो गाइस ये हम अभी एंटर कर रहे हैं महल के अंदर, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ थी, मेरे हिसाब से यहीं से दरबार सस्ता होगा। और ऐसा कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को असुरों ने बनाया था, राक्षसों ने। अरे भाई बुरा नहीं बोल रहा, उनको असुरी, यहाँ के लोगों को असुर ही बोला जाता था। आया भाई पूरा साम्राज्य था यार यहाँ पर, तो मैं तो सोच रहा था कोई छोटा सा होगा कुछ होगा, लेकिन नहीं सबकी व्यवस्था थी मेरे हिसाब से। राजा इधर रहेंगे ऊपर, इधर मंत्री वगैरह रहेंगे, नीचे प्रजा रहेगी। भाई कैसे ले गए होंगे इतनी ऊपर सामान यार, अगर महल ऊपर है तो। हाँ ये सीढ़ियाँ और ये जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, ये तो अभी बन रही है और अभी बनी है, मतलब पुराने टाइम के अंदर ये सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे। मैं भी रावण जो है अपने पुष्पक विमान से आता था। भाई रामायण के अंदर जिक्र है पुष्पक विमान का, तो क्या पता उस टाइम पे विमान चलते होंगे, कोई हवाई जहाज जैसी टेक्नोलॉजी जो कि सीधा ही महल को जाती होगी या फिर इस चट्टान के ऊपर। और अगर मान लो कि ये रावण की लंका नहीं है एक पल के लिए मान लेते, तो भी जिस टाइम पे लोग यहाँ पे रहा करते थे वो जो है ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, चढ़ना तो दूर है, वो सामान कैसे लेके जाते होंगे, और ऊपर वो खाते क्या होंगे पीते क्या होंगे। ये लोग अभी से थक गए, ऊपर देखो एक बार मेरी नज़र से देखो, बालिका भी थक गई, बालिका परेशान हो गई। ये आ गए हम थोड़ा सा और ऊपर, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें बनी हैं यहाँ पर भी रहने के लिए। ओ भाई तो यहाँ से है इसकी एंट्रेंस गाइस, या ओ भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंजा बना हुआ है यार। तो आई थिंक महल की जो रियल एंट्रेंस है वो यहाँ से रही होगी, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों जो पंजे हैं ये इसी उसके हैं, मेरे हिसाब से यही राक्षस है और ये इसके पैर हैं, और इसके बीच में से पैरों में से रास्ता जाता है। कुछ लोग इसे शेर के पंजे बोलते हैं और कुछ लोग इसे असुरों के पंजे बोलते हैं, लेकिन ये है बहुत पुराने और बहुत बड़े। ये देखो गाइस हाइट में ये इतना ऊपर है कि भैया नीचे देखने से ही मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये देखो आपको पता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, अभी तो और ऊपर जाना है, देखो अभी तो और ऊपर जाना है, और नीचे देखो। अब देखो यार कि ये जो सीढ़ियाँ नहीं है अभी बनाई गई है, पहले लोग कैसे जाते होंगे एक बार आप खुद सोच के देखो यार। तो गाइज ये फाइनली हम आ गए हैं बिल्कुल चट्टान के ऊपर, ऊपर से ये जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, वो जो वहाँ पे कुछ मनुष्य खड़े हैं वहाँ से हमने एंट्री मारी थी। बाकी आप देख सकते हैं, और ये देखो
कितनी सारी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर इस महल को बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आता है, ये देखो। तो वो रही सामने, वो जो अपन ने जहाँ से एंट्रेंस की थी, तो ये पूरा साम्राज्य था, यहाँ पे लोग रहा करते थे, मे भी प्रजा रहा करती थी। इसके चारों तरफ जो है एंट्रेंस, कोई अंदर एंटर ना कर पाए उसके लिए फेंसिंग हुआ करती थी, सेनाएं खड़ी रहती थी। और जो राजा है वो आई थिंक यहाँ पे रहा करते थे, उसके पास पास में ये राजा का निवास हो गया। मे भी उस टाइम पे लकड़ी से ऊपर की छत वगैरह बनाई गई होगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। देखो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो फिर इधर से जब अपन आगे आते हैं, तो आगे जैसे जैसे आगे आते जाएंगे गाइस, अपने को नई नई चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे संगमरमर है, सोचो कि ये संगमरमर यहाँ पे कैसे आया होगा, आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे हजारों करोड़ों ईंटें हैं, ये कैसे ऊपर लाई गई होगी, या तो इन्हें यहीं पे बनाया गया होगा। अगर यहाँ पे बनाई गई होगी तो वो लोग खाते क्या होंगे, क्योंकि ऊपर तो खाने के लिए कुछ है नहीं, और ऊपर कोई चीज लाने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थी। मे भी कोई नई टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता है। बालिका भी ऊपर आ गई है, ये देखो, यहाँ से देखो, अब आप ये पूरा व्यू देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे पूल है, या तो ये पानी पीने के लिए या स्नान करने के लिए किसी वजह से रहा होगा। बाकी ये देखो, तो ये है पूरी जगह जिसे रावण की लंका भी बोलते हैं। अभी भी मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ कि ये रावण की ही लंका है। जो यहाँ के टूर गाइड्स हैं या फिर जो बताने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, जो कहानियाँ यहाँ पे कही जाती है, उसके हिसाब से ये रावण की लंका भी हो सकती है काफ़ी हद तक। गाइस नीचे कुछ इस तरीके का व्यू आ गया, फिर से हम नीचे उतर गए हैं। भाई इसके अंदर है ना 3 मिलियन ईंटें लगी हुई है वहाँ उस महल के अंदर, हो रही है देखो। यहाँ फिर से नीचे जाने के लिए, तो यहाँ से ये रॉक कुछ इस तरीके दिखाई देती है, देखो इंडिया। सो गाइस अभी हम देखने वाले हैं कोबरा डांस। ओ सांप सांप सांप, ओ भाई खराब ये यार, कौन सी तो गाइस भवानी भाई अभी सांप के साथ फटे ले। अरे जा जा जा, डरे गई। अरे जा जा बेटी, जा 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 तू, जा जा जा। अरे और दे कैमरो छोड़, आज तू जिले जिंदगी। कौन बड़े बटको, ओ जहरीलो कौन रे बयान, ये जहरीला नहीं होता गाइस। जा जा जिले जिंदगी, शेर जा, आ शक्ति आ सकती है, जा। वाह यार, हिंदी को ना भी नहीं, हिंदी नहीं आती उसको। हाँ यस यस, हैंड हैंड हाँ। अब यार बटको कर दे, हिंदी नहीं आती उसको। ओके नो नो नो, ओके टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट। वो नहीं जा रही है,
अरे डालो भाई डालो वाले सीधे करो ओके वाले सीधे करो अरे वो ने पटका जी तेरी गाइज वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए स्नैक्स के साथ में. एक्चुअली वो जो बीन बजती है ना बीन पे नहीं नाचता है वो जो हाथ का इशारा रहता है ना स्नैक उस पे डांस करता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस एंड बुक्स सांप बहरे होते हैं उनको सुनाई नहीं देता है. हाँ बाकी उनको अपनी तरह दिखाई भी नहीं देता उनको अलग तरीके से दिखाई देता है या तो उनको इंफ्रारेड में या थर्मल इमेजिंग के हिसाब से जैसा थर्मल में दिखता है ना वैसा दिखाई देता है और वो सिर्फ हाथ के इशारे पे ऐसे नाचता है. जो पाइथन है पाइथन में तो जहर होता नहीं है जो कि इसके गले में था खतरनाक था भाई. चलो जी अब हम आ गए बाहर कुछ पीते हैं यार बहुत वो हो गया. 3 coconut 300 rupees के तो अब फांसी दो भाई और हम तीनों भाई जो हैं आगे जा रहे हैं. इससे आगे हम कैंडी जाएंगे उससे पहले देखते हैं होटल में ही रुके हैं या फिर गाड़ी में डिसाइड करेंगे. पहले कुछ खा लेते हैं गाइज यहाँ पे खाएंगे खाना. यहाँ पे कुछ अंग्रेज खा रहे हैं उनके साथ ही. हेलो व्हाट्स योर नेम ब्रदर. ओके हेलो गाइज यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं वेजिटेरियन तो ये है दाल. ओके खाना खा लो गाइज जल्दी जल्दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा पीछे गाना चल रहा है. खाना खा लो ये पता नहीं क्या क्या है जो भी है खा लो गाइज. अभी हम जा रहे हैं होटल यहाँ पे अभी 4:30 हुई है लेकिन उसी टाइम पे अंधेरा होने लग गया बाहर. देखो ये देखो मौसम एक नंबर हो रखा है भाई साहब मौसम एक नंबर हो रखा है यार. अभी चल रहे हैं होटल उसके बाद में यार सोएंगे. पता नहीं थक गया यार वो गुफा वगैरह देखी इतना सब कुछ किया ना थक गए. वैसे तो नहीं थकते लेकिन थक गए. तो गाइज अब गुड नाइट नींद आ रही भाई जोरदार सो जाते हैं कल मिलते हैं यार गुड नाइट.